मणिपुर दे विच लगातार हो रही हिंसा ते महिलावां दे प्रति हो रहे अत्याचार नूं लैके आम आदमी पार्टी जिहड़ी है ओह सीधे तौर ते मोर्चा खोलदी नज़र आ रही है। तुहानूं तस्वीर विखा देने केंद्र दी मोदी सरकार दे खिलाफ मोर्चा खोलिया गया और इस मोर्चे दे विच आम आदमी पार्टी जिहड़ी है केंद्र दी मोदी सरकार दे उपर दबाव बनाउण दी कोशिश कीती कर रही है कि कुछ इस तरह के एक्शन जिहड़े ने उह मणिपुर दे विच सरकार लैंदी नज़र आए जिस करके मणिपुर के हालात जिहड़े ने उह सुधरदे होए नज़र आण, क्योंकि तस्वीर थानू लगातार विखा रहे हैं कि इस वेले किस तरह की तस्वीर जिहड़ियां ने इत्थे वेखण नूं मिल रही ने। वड्डी गिणती दे विच आम आदमी पार्टी के वर्करां की गल करिए, लीडरां की गल करिए, मणिपुर दे विच लगातार हिंसा की घटनावां जिहड़ियां वधदियां होईयां नज़र आ रही ने, महिलावां दे खिलाफ अत्याचार वधदे नज़र आ रहे हैं। चेतन सिंह जोड़ा माजरा साडे नाल ने, गलबात कर लैने आ सर, किस तरह देखते हो क्योंकि लगातार मणिपुर की अगर तस्वीर की गल करिए लगता ही नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जी है मणिपुर के वेखण मिल रही है। देखो सब तो पहले तो असी जिथे खड़े पंजाब च असी पंजाब की धरती पंजाब के लोग ने जोड़े वो इसतरी जाति का महिलावान का सन्मान करते हैं, वो चाहे बगानी धी भी होते वास्ते भी वो अपनी जान निशावर कर तक जाते हैं कि उन्होंने आँच ना आए। पर बड़ा दुख की गल है कि मणिपुर के दो महीने तो जिहड़ा ये घटना वापरी है पर सरकार ने उन्हें छुपाने की कोशिश की, उन्होंने दोषियों को सज़ा देने की बजाय उन्होंने बचाते रहे, अखीर जाके जिहड़ी वीडियो बाहर आई है तां जाके जिहड़ा देश भर के विच रोस जागया जिहदे नाल जिहड़ी बीजेपी आ उहदी मंशा जाहर हुंदी है कि वह महिलावां विरोधी ने, इसतरी विरोधी ने, वो नहीं चाहते किसी इसतरी जिहड़ा हैगा इज्जत माण मिले और किसी इंसाफ मिले। लेकिन बीजेपी लीडर की जो गल करिए मणिपुर को लैके जो उन्होंने सवाल किए जाते कहते दो गुटों के हिंसा होती नज़र आ रही है, इस कहते साड़ी सरकार हाँ इन्ना जरूर रहा कि कंट्रोल करने के विफल साबित हुई है लेकिन राजनीति असी नहीं खेड रहे, विरोधी इस मसले को राजनीतिक मसला बना रहे। नहीं कोई राजनीतिक मसला नहीं बनाया जा रहा, दो महीने छुपा के रखने का कारण की सी, दो महीने छुपा के रखा इस तो साफ जाहिर होंदा कि राजनीति विरोधी दल नहीं राजनीति बीजेपी कर रही थी छुपा के, कितने ना कि उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने कोई आँच ना आ सके। सो इस करके जे समा रहिंदे ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਨੇਚਰਲੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਗਵਰਨਰ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ मणिपुर के जो दुर्घटना वापरी आ असी उहदे खिलाफ डट के खड़ीए और उन्हां बच्चों इंसाफ दवाई।